YouTube ही आपने कैसे चुना, और आज हम पूरी जर्नी के बारे में आपसे बात करेंगे कि आज जो मुकाम हासिल किया है आपने YouTube की दुनिया में, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, ये तमाम बातें। देखिए, ऐसा है कि मैं रहने वाला हूँ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का जी। जो मैं प्रॉपर बताऊँ तो मैं संपूर्ण नगर खिरी में रहता हूँ, तो वहाँ पर मेरा बचपन बीता हुआ है वहाँ पर। तो ऐसा था कि मेरा शुरू से ही माइंड क्रिएटिविटी टाइप का था, जैसे बोल सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया। हाँ, एक शौक रहता तो है। हाँ, शौक मतलब कि मैं अपने क्लास में भी सभी लोगों का फोटो एडिट करके देता, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि लोग मेरी तारीफ करते थे। तो ऐसे करते करते मैंने क्लास 10th पास आउट किया अपने पलिया कला से, जिसका नाम है दून इंटरनेशनल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। और फिर वहीं से मैंने 12th भी किया। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 12th करने के बाद हम लोग का कॉलेज लाइफ स्टार्ट होता है, तो उस कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना नेम और फेम कमाते हैं यूट्यूब के थ्रू। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। चैनल क्या बनाया, वो पहले से ही बना ही रहता है, आप जैसे मोबाइल तौर पे लोग हैं आज भी क्रिएट कर लेते हैं यूट्यूब पे, उनको कोई वो नहीं रहता है। हाँ, जो एंड्रॉयड मोबाइल लिया उसका क्रिएट हो ही गया। फिर इस तरीके से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि जो मेरा चैनल का नाम था पहले, अभी तो प्रजापति न्यूज है, पर इससे पहले मैंने अपने चैनल का नाम रखा था प्रजापति फिल्म प्रोडक्शन। ये प्रजापति जो मैं नेम की बात करूँ, एक अटपटा सा शब्द है फिलहाल प्रजापति जैसे, तो ये क्या सरनेम है या इससे क्या लगाव है, क्या जुड़ा हुआ है जो प्रजापति ये नेम आपने रखा यूट्यूब पे? ऐसा था कि मेरा नाम विशाल प्रजापति था, तो फिर मैं एक अपना सरनेम को हाईलाइट करना चाहता था, तो इसलिए मैं प्रजापति को लेकर चलता था। तो मैंने इसीलिए प्रजापति फिल्म प्रोडक्शन अपने चैनल का नाम रख लिया। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि मेरा छोटा वाला भाई भी है जो मेरे साइड में बैठा हुआ है, देख रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो नेम और फेम कमाते हैं यूट्यूब पर। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया कि वाइन, अच्छा, उस वक्त पैसे की कोई ख्वाहिश नहीं थी ना, नहीं, पैसे हमें पता ही नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं। ये तो हमें बाद में पता लगा, यूट्यूब हमने करते करते हमें बाद में पता लगा कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं। तो फिर हम दोनों भाई ने मिलकर वाइंस वीडियो बनाया, जिस पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था, मतलब उतना ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, बट ये था कि हाँ मोटिवेशन था हमारे अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से करते करते फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन को चेंज किया। फिर मैंने अपने फेस रिवील करके हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा भी हुआ, पहले की वीडियोस हैं वो, काफ़ी बहुत 1.5 साल 2 साल पहले की वीडियोस हैं वो। तो फिर हमने ऐप का रिव्यू करना स्टार्ट किया, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को। तो फिर ऐसे करते करते मैंने यूट्यूब पर ट्रेंडिंग टॉपिक डालना स्टार्ट किया, जिसमें से मेरी बाई लक बोल सकते हैं इसे कि हमारी वीडियोज़ वायरल हो गई, जहाँ से हमारे पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ गए। तो इस तरीके से करते 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 हमारा चैनल ग्रो होता चला गया। अच्छा, वो पहली ऐसी वीडियोस कौन सी थी जो आज इस मुकाम तक आप उस वीडियो के जरिए पहुँच चुके हैं, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा देखना पसंद किया? हाँ, देखिए, जो मेरा सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था वो था अमित भडाना का बायोग्राफी। अच्छा, जो हमारे चैनल पर फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि मेरे को वायरल के बारे में उतना कुछ नॉलेज तो था नहीं, पर मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने उसमें क्या किया था कि अमित भडाना की पूरी बायोग्राफी बताया था, तो उस पर डालते ही कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर 1-2 लाख व्यूज़ आ गए थे, जिस पर प्रेजेंट टाइम में मेरे हिसाब से 1 मिलियन के आसपास होगा उस पर व्यूज़। तो वहाँ से मेरे पास सब्सक्राइबर आए। कैसा लगा फिर एकदम जब 1 मिलियन हो गए? खुशी हुआ था, इतना खुशी हुआ था कि कुछ पूछिए ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था हमें। फिर उसके बाद हमारा कंटिन्यू वर्क करते रहे। हमारा ऐसा था कि हमने यूट्यूब में अपने वीडियोस जब बनाना स्टार्ट किए, तो हमने कंटिन्यू वर्क किया। हमारे पास ऐसे ऐसे टाइम भी आए कि हम मॉर्निंग में 9 बजे बैठते थे वीडियो, क्योंकि उस समय क्या था कि मैं सारा कुछ अकेले ही करता था, भाई भी करता था साथ में, सभी लोग, हम लोग सब कुछ हम लोग अपने ही पे ही करते थे, जैसे आर्टिकल लिखना हो गया, वॉइस ओवर करना हो गया, वीडियो एडिटिंग करना हो गया, यहाँ तक कि अपलोडिंग भी हम लोग खुद ही करते थे। अच्छा, तो ये सारा काम जैसे एक फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो उससे रहा करते होंगे आप, लेकिन कभी कोई फैमिली ऐसे आपको टॉर्चर नहीं करती थी कि क्या विशाल आप बार बार जब देखो फ़ोन में लगे रहते हो, ये क्या है? तो ऐसे सहयोग करती थी फैमिली या कभी इस तरीके के भी उन्होंने ऐसे प्रवचन या ऐसे शब्द कहे थे आपसे? हाँ, देखिए, एक्चुअली क्या था कि हमारे फैमिली में यूट्यूब के बारे में उतना किसी को पता ही नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा था कि मेरे फैमिली की तरफ से किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं था कि बेटा तुम ए मत करो। आज मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों ने बाउंडेशन कुछ नहीं डाला, तभी आज जाकर मैं इतना अच्छा मुकाम हासिल कर पाया हूँ। अगर उन लोगों ने बाउंडेशन डाला रहता है कि वीडियो अगर मतलब यूट्यूब ना चलाओ, ए मत करो, मोबाइल मत चलाओ, तो मैं इस चीज़ को ना कर पाता। तो फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली में प्रेजेंट में कौन कौन मौजूद है और क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं? हाँ, देखिए, फैमिली में मेरे पापा मम्मी हैं जी। और दो
तो एक तो आकाश भाई हो गए, कोई नहीं एक आकाश भाई हो गए, और भी भाई हैं? है ना। अच्छा, ये आकाश भाई और भी भाई है ना? हाँ, बड़े भाई हैं हमारे। हाँ। और मम्मी पापा हैं, बड़ी सिस्टर हैं जो उनका मैरिज हो गया है। अच्छा। वो अपने घर। तो बरेली शहर में कौन कौन है इस वक्त? बरेली शहर में हम तीन भाई रह रहे हैं। अच्छा, तीन रह रहे हैं। हाँ। तो सारा कुछ यहीं से ही होता है? हाँ, सारा मैनेजमेंट यहीं से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो स्टडी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो फिर वहीं से जब 11th 12th किया था, 12th फिर छोड़ दी थी, इसमें ही आ गए YouTube में, या फिर अब भी चल रही है स्टडी हमारा? कंटिन्यू है। अच्छा, कंटिन्यू। अभी हमारा वी फार्मा चल रहा है। हाँ, बी फार्मा हमने, हाँ मतलब ये होना भी चाहिए एक सक्सेस के, एक जो इसकी जो उम्र होती है स्टडी की या एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, और पढ़ते रहना चाहिए व्यक्ति। मेरा कहने का मतलब ये है कि YouTube के साथ साथ हम अपना स्टडी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें YouTube चलाने के लिए अपनी स्टडी को क्विट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अगर बात करूँ तो YouTube की अगर मैं बात करूँ तो आपको YouTube से तो पैसे मिल ही रहे हैं, ये तो एक मस्ट है, बट YouTube ने आपको कुछ और भी दिया है? जैसे मैं सुना है आमतौर पे कोई प्राइज़ वगैरह, एक ऐसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या ले चुके हैं आप YouTube से? देखिए, YouTube का जो रूल है, जैसे कि हम लोग वो लोग मोटिवेट करने के लिए वो लोग गिफ्ट भेजते हैं हमारे लिए। वो गिफ्ट ऐसा होता है कि जैसे कि जब 100,000 सब्सक्राइबर पूरा होता है तो हमें मिलता है सिल्वर प्ले बटन। फिर उसके बाद जब हमारा 1,000,000 कम्प्लीट हो जाता है, 1,000,000 बोले तो 1,000,000, तो हमें गोल्डन बटन मिलता है। और जब हम लोगों का 1 करोड़, लेकिन अब तो आप क्रॉस कर चुके हैं 1 करोड़, क्या मिलने वाला है अभी हमारा? क्या मिलने वाला है अभी? हमें डायमंड बटन मिलने वाला है जी, बट अभी COVID-19 के चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है, और बहुत जल्दी आएगा डायमंड बटन भी। सही मायने में कोविड अभी होना नहीं चाहिए था ना? वो कोविड के वजह से ही, क्योंकि हमारा तो 10,000,000 बहुत पहले ही पूरा हो गया, मेरे साथ 3 मंथ होने वाला है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अपने आपके नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अच्छा विशाल भाई, जो YouTube ने आपको दिया है, हम पैसा तो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राइज आपको दिया है वो मेरे साथ साथ मुझे लग क्या है? देखिए, ये है हमारा सबसे पहला प्राइज जो था, वो क्या मिला था आपको? मेरे को सबसे पहला प्राइज सिल्वर प्ले बटन मिला था YouTube की तरफ से, वो हमारा ये रहा। ये हो गया हमारा सिल्वर प्ले बटन, जो लोग एक नॉर्मल से चीज़ें लिख के भेजते हैं, मतलब मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, कि आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए तो हमने आपको एक गिफ्ट भेजा हुआ है, जैसे बोल सकते हैं स्मॉल लव ऑफ टोकन। अच्छा, हाँ, एक हमारा 1,00,000 का माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद हमारा एक चमचमाता हुआ सिल्वर प्ले बटन मिला था। नाइस, ये है सिल्वर। हाँ, इस पे नॉर्मली प्रजापति न्यूज 4 प्रजापति न्यूज पासिंग 1,00,000 सब्सक्राइबर। ओहो, और इसमें मिरर टाइप का होता है, फेस बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, देखें विशाल भाई, वो तो सिल्वर अपना था, ठीक है। अब आप गोल्डन की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी हमें दिखा दीजिए। हाँ, गोल्डन, गोल्डन जो प्राइज है वो यूट्यूब का, वो कैसे होता है? गोल्डन तो देखो दोस्तों, कोई नहीं, गोल्डन नाम ही बहुत है। और ये खुल चुका है यूट्यूब का पिटारा, और ये है इन दो भाइयों की मेहनत का नतीजा, गोल्डन। इसमें भी सेम चीज ही लिखा रहता है, प्रेजेंटेड टू प्रजापति न्यूज फॉर पासिंग 1,000,000 सब्सक्राइबर। अच्छा, हाँ जी, तो ये गोल्डन है। गोल्डन के बाद गोल्डन में भी फेस दिखता है, काफी अच्छा फेस दिखता है इसमें भी। मुझे लग रहा है शायद आप इसी में भी फेस देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको रख दें। छोटा सा ही मिलता है हमें, कोई मतलब डैमेज वैमेज होता है तो हमारा रिटर्निंग करने के लिए ये चीज मिला रहता है हमें। और फिर इसमें भी वही सर्टिफिकेट सेम टू सेम वही चीज, सीईओ का सुजैन का यहाँ पे साइन होता है, और उसमें भी सेम चीज़ें लिखी रहती हैं। हमारा तो कहना यही है कि मतलब स्टडी के साथ साथ अगर हम पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं तो YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब पार्ट टाइम, ना कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम YouTube लेके बैठ जाएं। यस, और अगर YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो कभी ये मत देखो कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल रहे या हमारे पास DSLR रहे। हमारा थिंकिंग यही है कि जो भी एसेसरीज हमारे पास हैं, छोटे से छोटा, हम उसी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उस चीज़ को इंक्रीजमेंट करते रहेंगे तो आराम से काम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में हमें बड़े की ख्वाहिश नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, जो है बस उसी से ही हम उसका अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विशाल भाई, और एक बड़ा सवाल है, ये दो भाई तो आप हैं लेकिन इसके पीछे और भी लोग होंगे। आपकी कामयाबी के पीछे अगर मैं बात करूं तो लोग और भी होंगे, तो कितने लोग आपकी इस टीम में काम करते हैं? देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना चैनल स्टार्ट किया था तब तो मैं अकेला ही था, मतलब एक मेरा भाई के साथ साथ हम लोग अकेले ही थे, दो लोग। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होता गया, मैंने अपना चैनल पे
जब हमारा 7 मिलियन जब 7 मिलियन हमने सब्सक्राइबर पूरा कर लिया था, उसके बाद हमें लगा कि अब हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने क्या किया, अपने टीम बनाना स्टार्ट किया। तो हमारे टीम में एक आर्टिकल राइटिंग है जो हमारी लखनऊ की है आर्टिकल राइटिंग, वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स लिखती है हमारे लिए। और हमारे पास एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है प्रजापति न्यूज़ के लिए स्पेशल, प्लस हमारे पास 2 एडिटर भी हैं जो बरेली से ही काम करते हैं अपना। और हमारे और भी दूसरे भी यूट्यूब चैनल है जिसपे हम लोग फैक्ट टाइप की न्यूज़ बनाते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग हमारे पास टीम है। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास अगर लेके चले तो हमारे पास 6 से 7 लोग हैं प्रेजेंट टाइम में। इतने लोगों को रोजगार देते हैं आप? हाँ, अपना मेन थिंकिंग यही है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को अपने पास से जॉब प्रोवाइड करा सकें, हमारी थिंकिंग मेन यहीं पर रहती है। अच्छा, ये प्रजापति जो न्यूज़ है और कितना आगे जाने वाली है, क्या सोच रहे हैं आप? प्रजापति न्यूज़ का तो मेरा एक ही सपना है कि प्रजापति न्यूज़ को धीरे धीरे हम इसको टीवी लेवल पे उतार दें। यस, चलिए, बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है।